नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आप परमात्मा के प्रति सच्ची भक्ति करना चाहते हैं। मेडिटेशन टाइप की भक्ति होती है, परमात्मा में लीन होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और ये सब्जेक्ट अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। आइए हाथ के तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले घटनाक्रम के बारे में बताती है। इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हृदय रेखा, हृदय रेखा एक प्रेम संबंध के बारे में बताती है, एक नजदीकियों के बारे में बताती है। जब परमात्मा की बात हो, गुरु की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। कहते ना, किसी को पाना है तो गुरु की शरण में जाना है। परमात्मा का कहीं ना कहीं गुरु का कनेक्शन है, उद्धार हो जाता है, जीवन पार हो जाता है। गुरु के सहारे जीवन की नैया पार हो जाती है। आपने देखा होगा आध्यात्मिक मेडिटेशन, लोग पानी में लीन हो जाते हैं, परमात्मा के प्रति इतनी गहरी आस्था रखते हैं जीवन को पार लगाने के लिए, जीवन को अपने सार्थक बनाने के लिए। हाथ में हम वो चित्र देखते हैं, जैसे ये गुरु का सिंबल है हमारा, गुरु का पर्वत है, इसको हम गुरु का पर्वत बोलते हैं, गुरु का पर्वत। गुरु का पर्वत वैसे भी आध्यात्मिक का ग्रह माना जाता है, ज्ञान का ग्रह माना जाता है। अब ये यहां पर एक शुभ साइन होती है मेडिटेशन, परमात्मा को भक्ति की तरफ लेकर, मतलब परमात्मा में लीन होना चाहता है। अगर आपके हाथ में ये चिन्ह है, यहां पर गुरु की साइड में ऐसी एक फिश साइन बन जाए, ऐसे लोग परमात्मा में लीन होना चाहते हैं, परमात्मा को प्राप्ति करना चाहते हैं, और इस तरह की मेडिटेशन की साइन हो तो जीवन में ऐसे लोग परमात्मा के प्रति ही आस्था रखते हैं। और ये फिश साइन अगर देखें, ये बीच में हो, बीच में ऐसे लोग परमात्मा को भी मान लेंगे, अपने उद्धार के लिए और भी किसी चीज को मान लेंगे। कह लो कि बीच में लटक जाते हैं, इनको हर चीज अच्छी लग जाएगी, बीच में लटके होते हैं, पाने के लिए भी, मेडिटेशन के लिए। लेकिन मेडिटेशन के लिए तभी हम कह सकते हैं कि अगर ये साइन होगी आपके हाथ में, तभी आप मेडिटेशन कर सकते हो, तभी आप इस चीज का आपके अंदर एक ऊर्जा जगेगी, एक तरह का संचार उठेगा। अगर ऐसे कई लोगों को देखे आप मेडिटेशन करते हैं, अगर हाथ में ऐसी साइन या ऐसा चिन्ह आपके हाथ में नहीं है तो आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। चाहे परमात्मा की प्रति हो, करना हो, चाहे अपने खुद की भलाई के लिए, खुद के काम के लिए मेडिटेशन करना हो। तो जो कि ये तीसरी साइन जो है वो शनि की तरफ, ये शनि की तरफ, ऐसे लोग अपने उद्धार के लिए मेडिटेशन करते हैं, अपने जीवन को खुश बनाने के लिए मेडिटेशन करते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।